स्टूडेंट्स, आज महाजन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डायनेमोमीटर। हाँ बिल्कुल, डायनेमोमीटर। आज हम बात करने वाले हैं इस डायनेमोमीटर के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या होता है डायनेमोमीटर, किस तरीके से हम उपयोग में लाते हैं, है ना, क्या इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है और क्या इसके एप्लीकेशन होते हैं। ठीक, तो इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी हम हासिल करने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो को जरूर देखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ भाई, सेंटेंस लिखे हैं जो उनपे बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा और इसे इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेमोमीटर। तो बात करते हैं डायनेमोमीटर की, क्या है ये डायनेमोमीटर। शायद आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में इस तरह के मॉडल को जरूर देखा होगा। ये जो आपका मॉडल है, यही आपका डायनेमोमीटर कहलाता है। ठीक है, एक आपकी पुल्ली दिख रही है या एक स्ट्रिज दिख रहा है, इधर कुछ स्प्रिंग लगी हुई है आपकी, इधर आपका कुछ वेट लगे हुए रहते हैं, तो ये कंप्लीट बॉडी आपकी कहलाती है डायनेमोमीटर। यह एक डायनेमोमीटर का प्रकार है। आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये डायनेमोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, पर सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन इसकी हम जान लेते हैं कि भाई क्या होता है डायनेमोमीटर। जैसा कि यहाँ पे लिखा दिख रहा है, अ डायनेमोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग फॉर टॉर्क, फोर्स और पावर। फॉर एग्जाम्पल, द पावर प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन, मोटर और अदर रोटेटिंग प्राइम मूवर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द साइमल्टेनियसली मेजरिंग टॉर्क एंड रोटेशनल स्पीड। मतलब भाई इसमें बताया है, डायनेमोमीटर बोला है एक ऐसे डिवाइस है जो कि मेजर करती है, मतलब मापती है किस किस को, फोर्स को, बल को, टॉर्क को, पावर को, इन सबको ये मापने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इसने बताने का प्रयास किया है, पावर प्रोड्यूस बाय एन इंजन, भाई आपका जो इंजन होता है जो पावर प्रोड्यूस करता है, या फिर मोटर या अदर रोटेटिंग जो आपके प्राइम मूवर्स होते हैं जो आपके पावर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोला है कैलकुलेटेड बाय द साइमल्टेनियसली मेजरिंग टॉर्क एंड रोटेशनल स्पीड। मतलब भाई जो आपकी मोटर है या जो भी आप अपने अलग अलग जो डिवाइस कहिए, ये सब आपकी इंजन है, ये भाई मोशन प्रोड्यूस करते, तो भाई ये मोशन कितनी प्रोड्यूस कर रहे, कितनी स्पीड से घूम रहे, क्या टॉर्क होगा इनका, क्या फोर्स जनरेट हो रहा है, इस सभी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं हम, और उसी का नाम है डायनेमोमीटर। जी हाँ, आज हम डायनेमोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आपको इस बेसिक डेफिनेशन के थ्रू उसका ये मतलब महत्व समझ आ गया होगा कि किस तरह के डायनेमोमीटर डिवाइस होती है और ये किस उपयोग में लाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। मतलब इसमें कहा है कि डायनेमोमीटर एक ऐसे डिवाइस है जो कि यूज की जाती है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मापने के लिए। भाई ऑब्वियसली है, कोई घूमती हुई चीज है, उसके ऊपर आप कोई वस्तु से उसको प्रेस कर रहे हो, ऊपरी वस्तु से प्रेस कर रहे हैं, तो भाई दो बॉडी आपस में जब कांटेक्ट में आती है, एक घूमती हुई बॉडी के कांटेक्ट में दूसरी रेस्ट में या स्थिर अवस्था में रखी हुई बॉडी का अगर आप कांटेक्ट में लाते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, और घर्षण से कुछ हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो उसी की बात किया है कि ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करती है। मतलब जो घर्षण प्रतिरोध आपने लगाया, तो वो कितना घर्षण प्रतिरोध लगा उसमें, उसको मापने का काम करती है ये डायनेमोमीटर आपकी डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें डायनेमोमीटर इस टाइप का भी आपने कुछ अपने लैब्स में देखा होगा, थ्री आप मशीन की जो लैब होती है उसमें आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, ये आपके डायनेमोमीटर का एक प्रकार है। ठीक, जैसे देखिए आपकी कि समटाइम्स द ब्रेक्स आर नॉट ओनली यूज टू रिटार्ड और स्टॉप द मोशन, बट मेनी ऑल्सो बी यूज टू मेजर द पावर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ब्रेकिंग। सच ब्रेक्स विच हैव अ प्रोविजनल टू मेजर द एब्जॉर्ब पावर आर कॉल्ड डायनेमोमीटर। मतलब इसने बताने का ये प्रयास किया है, भाई ये जो आप देख रहे हैं एक तरह की एक ब्रेकिंग सिस्टम ही है, है ना। जैसे आपने ब्रेक्स, शू ब्रेक का सिस्टम देखा था कि दोनों ओर उसके दो शू लगे हुए होते हैं, और अगर अचानक से उसे घूमती हुई वस्तु को प्रेस करते तो बॉडी आपकी रुक जाती थी,
तो सिमिलरली हम इसे भी समझ सकते हैं कि ये आपकी मोटर की शाफ्ट हो गई, उस शाफ्ट के ऊपर आपकी कोई पुल्ली लगी हुई है और दोनों ओर हमारे शू लगे हैं और इसे भी हम इसी तरह से प्रेस करते हैं। हाँ, लेकिन ये हमारी गाड़ी को उसका मतलब प्रेस करके इस पुल्ली को रोकने का उद्देश्य उसको रोकना नहीं होता, मतलब एक तरह से हम देखें कि स्टॉप करना हमारा सिर्फ उद्देश्य नहीं होता, इसके साथ साथ हमें ये पता करना होता है इसका मेन उद्देश्य अगर हम बोले तो उसकी पावर को, टॉर्क को, है ना, स्पीड को मेजर करना इसका उद्देश्य होता है, ठीक। और इसे डिवाइस को हमने कहा डायनामीटर। आगे अगर बात करें तो डायनामीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वी कैन डिटरमाइन टॉर्क ट्रांसमिटेड एंड हिंस द पावर ऑफ द इंजन। जैसा मैंने आपको बताया डायनामीटर बोला है एक ऐसी डिवाइस है जो कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को, बार बार कह रहा हूं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को, मतलब जो घर्षण प्रतिरोध है ना, उसको पता करने में, उसके टॉर्क को पता करने में कि भाई उससे कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है उस शाफ्ट में, वो सब पता करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, डायनामीटर का। डायनामीटर कैन बी यूज्ड ईदर टू मेजर टॉर्क एंड पावर। भाई ध्यान रखिएगा कि डायनामीटर के थ्रू, ये कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई डायनामीटर से क्या आप मेजर करते हैं, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा टॉर्क, उसमें दिया रहेगा पावर, इसमें दिया रहेगा कुछ फोर्स और लास्ट में ऑप्शन दिया रहेगा आपको उपयुक्त सभी। तो भी आपको अगर आपने पढ़ा इसके डेफिनेशन ध्यान से तो आप उपयुक्त सभी वाला आंसर डेफिनेटली लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस ग्राफ के थ्रू आपको मैं थोड़ा डायनामीटर के प्रकार समझाना चाहूंगा, है ना, या इसके, और ये तो एक तरह का एक मोटे मोटे तौर पर समझने का प्रकार है, इसे आप बहुत ज्यादा ध्यान में ना रखिएगा, मुझे ये दिख गया तो मैंने इसे ड्रॉ करने की कोशिश किया, लेकिन आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से डायनामीटर के प्रकार होते हैं, ठीक। डायनामीटर के अगर हम प्रकार कहें तो मेनली अगर हम देखें तो ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन डायनामीटर और दूसरा होता है आपका ट्रांसमिशन डायनामीटर। बात करते हैं अगर एब्जॉर्प्शन डायनामीटर की, जैसे नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत तीन तरह के डायनामीटर होते हैं। पहला होता है आपका प्रोनी ब्रेक डायनामीटर, सेकंड होता है आपका रोप ब्रेक डायनामीटर एंड थर्ड होता है आपका हाइड्रोलिक डायनामीटर, ठीक। तो ये हमने देखा एब्जॉर्प्शन डायनामीटर की कैटेगरी में कौन से डायनामीटर आते हैं। देन अगर हम बात करें ट्रांसमिशन डायनामीटर की, तो पहला होता है आपका बेल्ट ट्रांसमिशन, सेकेंड होता है आपका ईपी साइक्लिक डायनामीटर एंड फोर्थ थर्ड होता है आपका टॉर्जनल डायनामीटर, ओके। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये आपके अलग अलग प्रकार होते हैं डायनामीटर के, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, इनके अलग अलग चीजों के आधार पे हमने डायनामीटर को इन दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, ठीक है। उद्देश्य बस यही है कि चीजों को अच्छे तरीके से हम समझ सके उनके फंक्शन के बेसिस पे या उनके स्पेशल वर्क के बेसिस पे। भाई आप ही देखिए, आप एक यूनिक आइडेंटिटी है आपकी, कि भाई आपका हर किसी के जैसे आपका सकल सूरत या सारी चीजें नहीं होगी, है ना, आपका बोलने का तरीका कुछ और होगा, आपकी टोनिंग कुछ और होगी, आपकी हेल्थ एंड हाइट अलग होगी। तो उस तरीके से हम इसे भी समझ सकते हैं कि इन सभी का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसके बनावट, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये अलग अलग होने की वजह से हमने इसे दो क्लास में कैटेगराइज कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और इससे हम इसे समझने में भी आसानी होती है। चलिए आगे जानते हैं बिना किसी देरी किए कि एब्जॉर्प्शन डायनामीटर क्या होता है, ठीक है। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसके हेल्प से आप डायनामीटर को समझ सकते हैं। तो इसमें कहा है दिस डायनामीटर मेजर एंड एब्जॉर्ब द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। मतलब इस तरह का जो आपका एब्जॉर्प्शन, मतलब हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है अवशोषित करना, ठीक। तो अवशोषित करना इसमें बोला है कि इस तरह के जो डायनामीटर होते हैं, ये जो इंजन से जो पावर आउटपुट मिलती है आपको शॉप पे या पुल्ली पे अगर आप बात कीजिए, तो उसको ये एब्जॉर्ब करता है, मतलब अवशोषित करता है। तो उसी के आधार पे इस डायनामीटर का नाम हमने रख दिया एब्जॉर्प्शन डायनामीटर, ठीक है। विच दे आर कपल्ड द पावर एब्जॉर्ब इज यूजुअली डिसिपेटेड एज हीट बाय सम मींस, वही इसने बताने की कोशिश किया है। अगर एब्जॉर्प्शन डायनामीटर की कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें कौन कौन से डायनामीटर होते हैं, तो इसे बोला है सच एस एग्जाम्पल, पहला होता है आपका प्रोनी ब्रेक डायनामीटर, दूसरा हमने अभी देखा था रोप ब्रेक डायनामीटर एंड थर्ड होता है आपका हाइड्रोलिक डायनामीटर। चलिए इनके डिटेल में बात करते हैं। ये अगर एप्लीकेशन लेवल पे आप अगर देखते हैं तो इस तरीके से आपको डायनामीटर
एक डिवाइस दिखती है एज अ इंडस्ट्रियल पर्पस में अगर आप देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपना एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर का पहले प्रकार की, जो कि है आपका प्रूनी ब्रेक डायनोमीटर। क्या होता है ये प्रूनी ब्रेक डायनोमीटर, चलिए आइए देखते हैं। अ सिंपल फॉर्म ऑफ एन एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर इज अ प्रूनी ब्रेक डायनोमीटर। मतलब बात इसमें क्या है कि देखिए बड़ा सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा आपको, है ना। जैसे इसमें एक लीवर दिख रहा है, ये नट्स दिख रहे हैं, ये काउंटर वेट दिख रहा है आपको, ये दो वुडन ब्लॉक दिख रहे हैं और ये आपकी ये पुल्ली है, ठीक। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं और इसका कुछ रोटेशन दिखा है, ये दो आगे साइड में स्टॉपेज दिखा है और नीचे एक वेट लगा हुआ दिखा है। तो एक तरह से आप देखिए बड़ा सिंपल सा आपको ये डायनामीटर का एक शेप दिख रहा है या स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जब बोला है तो ये इस तरह का जो डायनामीटर होता है ये आपका प्रूनी ब्रेक डायनामीटर होता है। सबसे सिंपल फॉर्म अगर हम बोले ब्रेक डायनोमीटर में, तो प्रूनी ब्रेक डायनोमीटर का अगर आप कंस्ट्रक्शन देखिए सबसे सिंपल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्टिंग पावर इनटू हीट बाय ड्राई फ्रिक्शन। मतलब इसमें कहा है कि इस तरह के जो डायनोमीटर में होते हैं ये इस सिद्धांत पे कार्य करता है। मगर कहे कि ये जो इंजन से आपको मिलने वाली जो पावर है ना, उसको हीट ड्राई फ्रिक्शन के थ्रू हीट में कन्वर्ट करता है। ड्राई फ्रिक्शन मतलब घर्षण लगेगा, तो दोनों सूखी वस्तु है इनके आपस के बीच में एक तरह का ड्राई फ्रिक्शन ही लगेगा, ठीक है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग हॉर्स पावर इज टू अटेम्प्ट टू स्टॉप द इंजन बाय मीन्स ऑफ ब्रेक ऑन द फ्लाईव्हील। मतलब इसमें कहा है कि दिस इस मेथड से, है ना, प्रूनी ब्रेक डायनामीटर की अगर हम मेथड की बात करें, एक मेथड ही होगी, अलग तरह का मैंने एक विशेष तरह का इसमें अरेंजमेंट किया है, तो ये आपकी एक मेथड ही होगी। बोला है मेजरिंग ऑफ हॉर्स पावर इज टू अटेम्प्ट टू स्टॉप द इंजन बाय मीन्स ऑफ ब्रेक ऑन द फ्लाईव्हील एंड मेजर द वेट विच एन आर्म अटैच टू द ब्रेक विल सपोर्ट एज इट ट्राई टू रोटेट विथ द फ्लाईव्हील। मतलब इसमें ओवरऑल बहने की ये बात किया है कि भाई अब चीजों को समझिए, भाई इसमें आप इसकी ब्रेक पावर को या हॉर्स पावर को आप बोलिए उसको आप मेजर करते हैं इस डायनोमीटर की हेल्प से। मतलब इंजन से आपको जो पावर प्रोड्यूस हुई है, भाई आप कैसे बता देंगे कि आपके इंजन से इतनी इतनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो पावर को मेजर करने का काम है वहां आप थर्मोमीटर तो नहीं लगाएंगे कि वहां से आपको मेजरिंग पता चल जाए कि हाँ इतना इतना है, वो तो आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए या अदर दूसरी डिवाइसेस नहीं लगा सकते। तो उस समय आप यहाँ डायनामीटर लगा करके आप उसकी जो हॉर्स पावर की अगर बात करें या फिर अगर ब्रेक पावर की अगर हम बात करते हैं या टॉर्क की अगर बात फोर्स की बात अगर करते हैं, अलग अलग फॉर्म है इसके, तो इनको हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक। और उसी के बेसिस पे फिर हम जो अपने ब्रेक्स या अदर जो सिस्टम या आगे एप्लीकेशन में हम उसको यूज में ला सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन की बात कीजिए कि जैसे हमें पता करना है कि भाई गाड़ी की आपकी स्पीड कितनी होगी, क्या होगा, क्या इसका टॉर्क होगा, क्या इसका ब्रेक पावर होगा, हॉर्स पावर होगा, ये सब आप कैसे बताएंगे, तो इसी की हेल्प से जो आपके डायनोमीटर है इन्हीं के हेल्प से पहले मेजर करेंगे आप और वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, तो आप फिर उसे सभी गाड़ियों के लिए बता सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्शन किया है जिस इंजन का या जिस गाड़ी का, तो उसका इतना इतना बीएचपी या आप कह सकते हैं बीएचपी या हॉर्स पावर जो अगर आप कहे तो ये हो सकता है, होता है उसका, ठीक। चलिए अगर आगे देखते हैं हम, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आप फिर उतने जैसे बांध लीजिए आप ब्रेक बना रहे हैं तो उसी कैपेसिटी के बनाएंगे कि भाई उतने पावर को वो रोक सके, अदरवाइज आपको पता ही नहीं रहेगा और आपने वीक टाइप के बना दिया ब्रेक तो होगा ही कि वो तो बार बार टूटते जाएंगे या बार बार आपकी गाड़ी मोटर में खराबी आती जाएगी। तो इसी को सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारा डिटेल में कैलकुलेशन किया जाता है इन सब डिवाइसेस की हेल्प से, ठीक है। आगे देखिए हम, अगर प्रूनी ब्रेक डायनामीटर का जैसे हमने कंस्ट्रक्शन देखना चाहता तो इस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन रहता है भाई। ये जैसे हमने बताया आपको एक लीवर रहता है आपको, ठीक, इसमें लीवर के साथ आपके दो स्टॉपेज रहते हैं, स्टॉपेज ऊपर रहता है नीचे रहता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि भाई आपका जो लीवर है यहां से अपनी जगह से डिस्टर्ब ना हो, भाई ना ज्यादा ऊपर जाए ना ज्यादा नीचे जाए, ठीक है, एक जगह अपना मेंटेन करके रख सके, ठीक है। यह हेलिकल स्प्रिंग लगा हुआ था जहां के ऊपर इसे कसा जाता है लॉक नट्स की सहायता से, नट्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे, काउंटर वेट होता है इधर साइड भी, ठीक, इधर आपका वेट लगा होता है, अलग अलग वेट आप रखते हैं, उससे आपको पता चलता है कि भाई कितना वेट को ये मतलब कितना पावर उससे प्रोड्यूस हो रहा है ये देख सकते हैं। वुडन ब्लॉक जैसे स्टॉप करने के लिए जो आपकी पुली लगी उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ एक शॉफ्ट होती है, शॉफ्ट पे पुली होती है,
और फिर उसके दोनों ओर आपके वुडन ब्लॉक्स लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा ये जो आपका शॉफ्ट होती है उसके सेंटर से वेट तक की जो दूरी होती है ये कैपिटल एल कहलाती है आपकी। ठीक है, और इस डिवाइस की हेल्प से आप ब्रेक पावर मेजर कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा करके 2πNTG। ठीक, चलिए आगे अगर हम देखें तो या फिर आपको टॉर्क निकालना है तो डब्ल्यू इंटू एल से भी आप टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा ये डब्ल्यू है ये आपका एल है, इन दोनों का कैलकुलेशन कर आप अपना टॉर्क भी मेजर कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप डायनेमोमीटर, जैसे हमने बोला ये प्रांगण डायनेमोमीटर है। इट कंसिस्ट ऑफ टू वुडन ब्लॉक्स एंड अ पुल्ली फिक्स्ड टू द शाफ्ट ऑफ एन इंजन हुज पावर इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। मतलब इसमें कहा है कि ये जो आपका प्रोनिंग ब्रेक डायनेमोमीटर होता है ये दो तरह के उसमें वुडन ब्लॉक्स लगे हुए रहते हैं, बीच में एक शाफ्ट लगी होती है जिसके ऊपर की एक पुल्ली लगी हुई रहती है जो कि आपको ग्रीन कलर की पुल्ली दिख रही है। ठीक है, और इसी के साथ से ये क्या काम करता है कि ये उसके इंजन से आने वाली जो पावर है उसे वो मेजर करता है। ठीक है, द ब्लॉक्स आर क्लैंप्ड बाय मींस ऑफ टू बोल्ट एंड नट्स, जैसे मैंने आपको बताया जो टू बोल्ट और दो नट भी लगे हुए होते हैं जो कि इन दोनों को कसने का काम करते हैं। ठीक है, टाइट करते थे। अ हेलिकल स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड बिटवीन द नट एंड द अपर ब्लॉक टू एडजस्ट द प्रेशर ऑन द पुल्ली टू कंट्रोल इट्स स्पीड। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा अभी आपको लास्ट डायग्राम में जैसे दिखा था यहाँ पे ये दो हेलिकल स्प्रिंग लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, इसे एडजस्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है, हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, मदद करती है इसकी। आगे देखिए अ हेलिकल स्प्रिंग जो हमने देख लिया है, द आगे अगर हम बात करते हैं तो द अपर ब्लॉक हैज अ लॉन्ग लीवर अटैच्ड टू इट एंड कैरीज अ वेट डब्ल्यू एट इट्स आउटर एंड। मतलब इसमें कहा है कि जो अपर ब्लॉक होता है इसका, ठीक है, ये दो ब्लॉक अगर हम बात करें, ठीक है, और आर्म होता है आपका, ठीक है, अटैच्ड विद इट, अटैच्ड टू इट एंड कैरी अ वेट डब्ल्यू एट इट्स आउटर एंड। मतलब ये जो अपर ब्लॉक होता है इससे आपका एक आर्म कनेक्ट होती है। ठीक है, और इसी के ऊपर आप देखिए एक आप वेट इसे इसमें लगा कर रखते हैं। ठीक है, ये आपका वेट हो गया। ठीक, तो ये इसे भी कैरी करने का काम करता है, डब्ल्यू वेट को कैरी करने का। ठीक, शायद आपको चीजें अब तक समझ आ रही होगी। आगे हम देखिए पोनी ब्रेक डायनोमीटर, जो आपका पोनी ब्रेक डायनोमीटर होता है, अ काउंटर ब्रेक इज प्लेस्ड एट द अदर एंड ऑफ द लीवर विच बैलेंस द ब्रेक व्हेन द अनलोडेड। ठीक है, मतलब जब आप ब्रेक अनलोड करते हैं तो ये जो आपका वेट लगा हुआ रहता है ये काफी हेल्प करता है उसकी। ठीक, टू स्टॉप एस वन एंड एस टू आर provided to limit the motion of the lever। मतलब इसमें दो stoppers दिए हुए रहते हैं, ये बताया उसमें, एक होता है आपका S1 और एक होता है आपका S2। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ये जैसे आप देखिएगा तो ये इसके साथ से हम देख सकते हैं जो स्टॉपेज हमने देखा। ठीक है, आगे ये आप अलग अलग पार्ट देख सकते हैं, आपके जो पोनी ब्रेक डायनामीटर के ब्रेक शू हो गया, ये आपका फ्लाईव्हील हो गया, देखिए आपकी शाफ्ट हो गई है ना, ब्रेक शू, और फिर लोड आर्म हो गई, ये स्प्रिंग हो गया आपका, ये हुक हो गया जिसके ऊपर की आप लोड से रखने वाले हैं, वेट हैंड हो गया ये जो, और ये साइड में आपका वेट हो गया। ठीक, अब अगला प्रकार अगर हम देखें प्रोनी ब्रेक डायनामीटर, जिस तरीके से आपने देखा, ठीक है, कि किस तरीके से ये वर्क करता है, हमने बेसिकली इसकी जो जो एक मोटे तौर पर जो जानकारी होती है वो उन्हें हम इस वीडियो में जानना है। ठीक है, अगर आपको और भी इसमें डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसे और भी डिटेल में समझा दूंगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, अगला टाइप है आपका जो ऑब्जर्वेशन डायनामीटर है उसमें है आपका रूट डायनामीटर। तो ये रूट डायनामीटर क्या होता है, इसमें बताया इट इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइप डायनामीटर विच इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। मतलब इसमें कहा है कि ये और भी अन्य प्रकार का आपका जो कि एक ऑब्जर्वेशन मतलब अवशेष टाइप का जो डायनामीटर है यूज किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाता है आपकी जो ब्रेक पावर से मेजर करने के लिए इंजन की। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ वन टू और मोर रोप्स वाउंड अराउंड द फ्लाईव्हील और रिम ऑफ अ पुल्ली फिक्स्ड डिजिट टू द शाफ्ट ऑफ एन इंजन। मतलब इसमें कहा है कि ये जो आपकी इसका जो अगर एक डिवाइस देखिए तो इसमें होती है एक रिम लगी हुई होती है या पुल्ली कह सकते हैं आप, ठीक है, जो कि शाफ्ट पे लगी हुई रहती है और इसके चारों ओर अगर आप देखें ये एक रोप से कवर की हुई होती है, एक भी ले सकते हैं दो भी ले सकते हैं, तो उससे ये
आपकी लोडिंग डिवाइस जिसमें आप अलग अलग वेट रखते हैं। The power is absorbed in frictional between the rope and drum, therefore required cooling. ठीक है? Rope brake is cheap and easily constructed. मतलब rope brake की अगर हम बात करते हैं, तो ये बहुत जल्दी बनाया जा सकता है. साथ ही साथ इसका construction करना बहुत सस्ता होता है. आप बिना बहुत कम से कम खर्चे में इस rope brake को बना सकते हैं, rope brake diameter को बना सकते हैं. ठीक है? इसमें ज़्यादा आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी नहीं रहता और कॉम्प्लिकेटेड रहने के साथ साथ इसमें बहुत कम से कम आपको खर्चा आता है. क्या आप देख सकते हैं, बहुत इजी होता है. एक स्ट्रक्चर लगा होता है, बस आपको यहाँ पे आपको एक शॉफ्ट में पुल्ली लगा देना है और एक रोल की जरूरत होती है, दूसरा स्प्रिंग और एक वेट कैरिंग करने के लिए एक वेट कैरिंग डिवाइस. तो बस इतना सा कंस्ट्रक्शन ये सब अवेलेबल करके आप एक कंप्लीट रोप ब्रेक डायनामोमीटर बना सकते हैं. चलिए आगे रन करते हैं. अगर हम रोप ब्रेक की द अपर एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग बैलेंस व्हाइल द लोअर एंड ऑफ द रोप इज कैप्ट इन द पोजीशन बाय अप्लाइंग अ डी ग्रेड एज शोन इन फिगर. मतलब इसमें वही बात किया है कि भाई अपर एंड अगर आप देखिए ऊपर का एक छोर देखते हैं तो वो होता है आपका स्प्रिंग से कनेक्टेड और दूसरा में लगा हुआ होता है आपका वेट. ठीक है? जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इन दोनों के साथ ये बैलेंस में रहता है. इन अदर टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ द रोप और द फ्लाईव्हील वुडन ब्लॉक आर प्लेस्ड एट इंटरवल अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लाईव्हील. ठीक है? इस तरह से इसमें बोला है कि ये स्लिप वगैरह होता है अगर रोप में, यदि आप रोप है ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा स्लॉट बना हुआ रहता है, तो अगर इसमें स्लिप न हो इसलिए आप देख सकते हैं इसके वुडन ब्लॉक भी अगर यहाँ पर हम लगा कर रखते हैं, ये बताया है इसने. ठीक? तो इस तरीके से हमने देखा कि आज आपका ये ब्रेक डायनामोमीटर के अगर हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या 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 आज हमने पढ़ा है. तो आज हमने पढ़ा डायनामोमीटर के बारे में कि डायनामोमीटर क्या डिवाइस होती है. ठीक है? क्या क्या फंक्शन होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, किस तरीके से बनती है, इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है. ठीक है? और उसमें हमने देखा कि कितने प्रकार की होती है. प्रकार में हमने देख लिया एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर देखा पहला, और दूसरा आपको देखा ट्रांसमिशन डायनामोमीटर. आज हमने बात किया बूमी ब्रेक डायनामोमीटर जो कि एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर का एक प्रकार है, और उसी के साथ में रोप डायनामोमीटर जो उसका अगला प्रकार है एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर का, उसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल किया है. ठीक है? आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज कमेंट में लिख के दीजिए कि आपको आगे भी इस टॉपिक पर डिटेल में समझना है, डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं आगे बिल्कुल इसको वीडियो को बनाऊंगा. तो आप सभी का धन्यवाद. थैंक यू.